नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर। जो पुलिस नियम पालन कराने के लिए हमेशा तैनात रहती है, चलिए जान लेते हैं कि वो खुद कितने नियम का पालन करती है। जब इसी तरह की कार्रवाई की गई लखनऊ में, तो बेहद ही शर्मिंदा करने वाली बात सामने आई। पुलिस कर्मियों को उदाहरण पेश करना चाहिए और इसीलिए पुलिस लाइन में भी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था। ये बात कही है लखनऊ के SSP कलानिधि ने। उन्होंने कहा है कि इस दौरान जब कार्रवाई की गई तो बड़ी संख्या में हेलमेट बिना पहने और नियमों को तोड़ते हुए पुलिस कर्मी पकड़े गए हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस के लिए ये दिन शर्मसार करने वाला था। दिन भर चलाए गए अभियान में लगभग 305 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से खास बात यह है कि 155 यातायात पुलिस से थे और वो भी नियम तोड़ते पकड़े गए। मतलब कुल मिलाकर एक दिन में 305 पुलिस कर्मियों ने नियम का पालन नहीं किया। इनमें से अधिकांश पुरुष और महिला। पुरुष कर्मी कांस्टेबल और उप निरीक्षक रैंक पर थे और सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चला रहे थे। दिन भर चले इस अभियान में 3,177 मोटर वाहन चालक और बाइक सवारों को दंडित किया गया, जिसमें से 305 पुलिस कर्मी थे। तो बेहद शर्मिंदा करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए।